नमस्कार, मेरा नाम है निशांत। स्वागत है आपका पॉकेट ट्यूब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी 2020 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2020-21 का बजट पेश किया। इस वीडियो में हम बजट के ऊपर बात नहीं करेंगे, मगर हम बात करेंगे टैक्स स्लैब को लेकर। जानेंगे कि कैसे न्यू टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स स्लैब से एकदम भिन्न है और कैसे ये आपको फायदा या नुकसान कर सकती है। तो अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नई टैक्स दरें लागू होने से पुरानी टैक्स दरें खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस बार आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें आप ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम, इन दोनों में से किसी एक को चूज करके अपना टैक्स पे कर पाएंगे। मगर इसका आपकी सैलरी से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं अपने लिए तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और न्यू टैक्स रिजीम चूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। पहले हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए तक होती थी तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना होता था। वहीं अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी तो आपको 5% टैक्स, अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हुआ करती थी तो आपको 30% टैक्स देना होता था। इसके साथ ही आपके पास बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन भी मौजूद थे। अब ये बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन क्या है? इसमें आता है ATC बेनिफिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन, एजुकेशन लोन, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड थे जहां पर आप अपनी टैक्सेबल इनकम का कुछ हिस्सा सेव कर सकते थे। अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 से 7.5 लाख के बीच है तो 10%, 7.5 से 10 लाख के बीच है 15%, 10 से 12.5 लाख के बीच है तो 20%, 12.5 से 15 लाख के बीच है तो 25%, और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। मगर यदि आप न्यू टैक्स स्लैब चूज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन नहीं मिलेंगे। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आप अपने लिए ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं, तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो आप ले सकते हैं वो है ATC बेनिफिट। अब ATC में आपको 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। ATC के अंडर लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड, अगर इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा है तो आपको 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। वहीं अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 30,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। तीसरा, अगर आपने 45 लाख रुपए के मकान पर होम लोन लिया है तो आपको 3,50,000 रुपए तक की डिडक्शन छूट मिल सकती है। चौथा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए का है। पांचवा, एजुकेशन लोन, अगर आपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आपको इसमें भी 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। अब अगर हम इन सब डिडक्शंस को टोटल करें तो इनका सम टोटल आता है 6,55,000 रुपये, यानी 6,55,000 रुपये जो आपका नॉन टैक्सेबल इनकम है। बचा आपका 3,45,000 रुपये जो टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें भी 2.5 लाख रुपये तक तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी आपका टैक्सेबल इनकम बचता है 95,000 रुपये। अब इस 95,000 में आपको 5% टैक्स देना होगा अगर आप ओल्ड रिजीम चूज करते हैं, यानी 4,750 रुपए आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं, आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपका सामने दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्टेड है तो आपको 10 लाख रुपए के ऊपर मात्र 4,750 रुपए टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आप अपने लिए न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो सबसे पहली बात, आपको बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको इस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करना होगा। पहले 5 लाख रुपए इसमें आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए आपको 10% टैक्स पे करना होगा, यानी 25,000 रुपए इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स पे करना होगा, यानी 37,500 रुपए इसमें आपको टैक्स पे करना होगा। तो टोटल आपको
62,500 रुपए टैक्स पे करना होगा अगर आपकी सालाना इनकम 10,00,000 रुपए है और आप अपने लिए न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं। दोस्तों, मैंने दोनों टैक्स रिजीम का आपको एक एग्जांपल देकर समझा दिया। अब आप अपनी इनकम और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अपने लिए कोई भी टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किसमें कितना टैक्स देना होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।